अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आप देख रहे हैं फारूक मल्टी टेक्निकल यूट्यूब चैनल और मैं हूं इंजीनियर फ़ारूक अहमद फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम डिवाल्ट ग्राइंडर जो है डिवाल्ट एंगल ग्राइंडर इसके आर्मेचर की रिवाइंडिंग करेंगे इसका आर्मेचर बर्न है तो अभी हम इस वीडियो में सबसे पहले इस ग्राइंडर की ओपनिंग करते हैं और इसके फ्रंट पैनल के जो सिक्रूज़ हैं उनको ओपन करते हैं ताकि आर्मेचर जो है वो इजीली आ, आउट हो सके जी फ्रेंड्स तो हमने फ्रंट पैनल के स्क्रूज़ खोल लिए हैं अभी हम इसके कार्बन आ, होल्डर जो हैं वो ओपन करके इनके कार्बन जो हैं ए साइड का कार्बन निकालते हैं और अब बी साइड का कार्बन निकाल देते हैं ताकि दोनों कार्बन ओपन हो जाएं और हैंडल हमने लूज़ किया हुआ है ताकि टाइम की बचत हो सके और अब हम इसका आर्मेचर वायर निकालते हैं तो ये आप देख सकते हैं ये वाला आर्मेचर जो है ये इसका गर्म होकर ईटा पो के जल चुका है जी फ्रेंड्स तो अभी हम इसका गियर सेट जो है वो खोलेंगे और इसका आर्मेचर के साथ लगा हुआ नट जो है वो ओपन करेंगे उसके बाद छोटा गियर जो है इनसाइड जो कि आर्मेचर के ऊपर फिक्स होता है इसको उतारेंगे उतारने के बाद इसको हल्की सी जरब लगाएंगे हैमर से ये आप देख सकते हैं कि ये छोटा गियर जो है वो लूज़ हो चुका है अभी हम हल्की सी हैमर से चोट लगाएंगे तो ये लूज होके आर्मेचर आर जो है वो फ्री हो जाएगा तो यूँ जब हम चोट लगाएंगे तो ये साथ ही फ्री हो गया तो अब इस आर्मेचर की कटिंग करते हैं कटिंग करने के बाद इसको सफाई के बाद रिवर्निंग करते हैं तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स अभी हमने डिवाल्ट आर्मेचर की सफाई कर ली है डिवाल्ट एंगल ग्राइंडर के आर्मेचर की सफाई हमने कर ली है अभी हम इसकी वाइंडिंग शुरू करते हैं इसका टेक्निकल डाटा नोट कर लें इसके सिक्सटीन स्लाड्स हैं आर्मेचर स्लाट्स सिक्सटीन और कम्पटेटर पीसेस थर्टी टू डबल लूप वाइंडिंग होगी और फारवर्ड वाइंडिंग होगी दोबारा नोट कर लें सिक्सटीन आर्मेचर स्लाट्स और थर्टी टू कम्पूटेटर और इसकी क्वाइल पिच होगी वन एट वन एट इसकी क्वाल पिच होगी और वायर गेज होगी ट्वेंटी थ्री एस डब्ल्यू जी और पर कॉल टंस होंगे ट्वेल्व अब हमने स्लाट नंबर एक में पेपर इन कर लिया और नेक्स्ट पेपर जो होगा वो हम स्लाट नंबर एट में इन करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट अब हम एट नंबर स्लॉट में सेकंड पेपर इन करेंगे ताकि इसकी क्वल पिच जो है वो वन एट तैयार हो सके अब हम वाइंडिंग को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने से पहले जो वायर की स्टार्ट लीड है इसको शाफ्ट के साथ लपेट देंगे और वायर को स्लॉट नंबर एट में ऊपर से नीचे को इन करेंगे यूं स्लॉट नंबर एक में एट में ऊपर से नीचे और स्लॉट नंबर एक में नीचे से ऊपर लाएंगे और फिर दोबारा स्लॉट नंबर एट में एक इसमें दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह और बारह अब बारह टन मुकम्मल करने के बाद हम सेकंड लूप तैयार करेंगे अभी इस स्लाट की ये लूप नंबर टू ये अभी हम तैयार कर रहे हैं और इसको लूप नंबर जो स्टार्ट वाली लीड है वो लूप नंबर एक होगी और उससे इसका साइज़ छोटा रखेंगे पहचान के लिए आइडेंटिफिकेशन स्ला लूप नंबर टू इज शॉर्ट और दोबारा अगेन इस पर ट्वेल्व टन कम्प्लीट करेंगे ये डबल लूप वाइंडिंग होगी और डबल क्वाइल वाइंड होंगे एक दो तीन चार पाँच सात आठ नौ दस ग्यारह बारह अभी बारह टर्न मुकम्मल करने के बाद हमारे ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व के दो क्वाइल वाइंड हो चुके हैं अब पहली लूप नंबर वन और टू जो है इनको पेपर की आउटसाइड से हम फोल्ड करेंगे और जो वायर लास्ट लीड होगी ये हम पेपर के बाहर से इसको फोल्ड करेंगे और जो लीड लास्ट लीड होगी ये जो वायर आ रही है इसको हम पेपर के इनसाइड इन साइड रखते हुए ऊपर को फोल्ड कर कर काट देंगे यूं पेपर के इन साइड रखेंगे लास्ट लीड पेपर की इन साइड रखते हुए काट देंगे और जो स्टार्ट लीड्स हैं लूप नंबर वन और टू इनको हम पेपर की आउट साइड से फोल्ड करेंगे अब हमारी ए साइड की वाइंडिंग जो है इसमें ए और बी वाइंडिंग हो, होती है इसमें अभी हमने ए वाइंड का एक ए वाइंडिंग का एक वायल मुकम्मल कर लिया एक स्लाट की वाइंडिंग मुकम्मल हो गई अभी हम इसकी अपोजिट साइड पर जू घुमाते हुए बी साइड की क्वाइल नंबर एक तैयार करेंगे तो अभी इसकी बिल्कुल अपोजिट साइड पर स्लाट नंबर एक वाइंडिंग बी स्लाट नंबर एक और स्लाट नंबर एट में पेपर इन करते हैं अभी हम वाइंडिंग बी स्टार्ट करने लगे हैं पहले वाइंडिंग ए स्टार्ट की है अब वाइंडिंग बी स्टार्ट हो रही है तो इसकी भी सेम उसी तरह आप वायर को शॉफ्ट के साथ लपेटते हुए वायर को स्लाट नंबर एट में ऊपर से नीचे और स्लाट नंबर एक से नीचे से ऊपर लाएंगे यूं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन इलेवन ट्वेल्व आफ्टर ट्वेल्व टर्नस वी विल मेक सेकेंड लूप लूप नंबर टू अब हम लूप नंबर टू तैयार कर रहे हैं लूप नंबर टू विल शॉर्ट एंड लूप नंबर वन विल विल बी लॉन्ग लूप नंबर टू आफ्टर लूप नंबर टू वी विल रिवाइंड अगेन ट्वेल्व टन्स दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह अब बारह टन मुकम्मल करने के बाद अब हम नेक्स्ट बी वाइंडिंग का नेक्स्ट स्लॉट में पेपर तैयार कॉयल तैयार करेंगे अब हम बी वाइंडिंग का नेक्स्ट क्वाइल इसके साथ ही तैयार कर लेंगे अभी हम दो दो स्लॉट्स में वाइंडिंग डालते जाएंगे और इसको फॉरवर्ड वाइंड करेंगे तो नेक्स्ट स्लॉट में जाने के लिए पहले हम इसके कॉयल जो हैं वो फोल्ड करते हैं जो लूप्स हैं पहले हम इसकी लूप्स को फोल्ड करते हैं और अब नेक्स्ट लाट का लूप नंबर एक अब पहले तैयार करेंगे ये लूप नंबर वन होगा ये लूप नंबर वन लूप नंबर वन लॉन्ग रखेंगे थोड़ा और लूप नंबर टू को शॉर्ट रखेंगे तो ये लूप नंबर वन जो है ये तैयार हो गया नेक्स्ट स्लाट का बी वाइंडिंग और सेकंड क्वाइल नेक्स्ट स्लाट का क्वाइल जो है वो इन करते हैं जी फ्रेंड्स तो हमने लूप नंबर एक जो है वो तैयार कर लिया है और अब इसका नेक्स्ट स्लाट में कॉइल शुरू करते हैं तो इसका इधर से नेक्स्ट स्लाट में पेपर इन करते हैं अब हम यहाँ वन एट का कॉइल बनाएंगे यहाँ से भी एक पेपर आगे चले जाएंगे और इधर से भी एक स्लाट आगे चले जाएंगे फ्रंट साइड से भी वन स्लाट आगे जाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह ट्वेल्टन आफ्टर ट्वेल्व टर्नस कम्प्लीट करने के बाद अब हम सेकेंड लूप जो है वो तैयार करेंगे ये हमें ट्वेल्व टर्न बन गए अब हम सेकेंड लूप तैयार कर रहे हैं लूप नंबर टू लूप नंबर टू शॉर्ट होगी लूप नंबर वन से ये देखिए लूप नंबर टू शॉर्ट है लूप नंबर वन लॉन्ग है तो अभी लूप नंबर टू तैयार कर कर ली गई है अब हम लूप नंबर टू तैयार करने के बाद नेक्स्ट टेल्व टर्न जो है वो कंप्लीट करते हैं जी तो ये लूप नंबर टू कंप्लीट कर ली गई है अब हम नेक्स्ट क्वाल शुरू करते हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह अब बारह टन मुकम्मल करने के बाद अब हम यहाँ से वायर को पेपर की इन साइड रखते हुए इसको काट देंगे ताकि वाइंडिंग ए शुरू की जा सके ये वाइंडिंग बी का सेकंड स्लॉट जो है उसकी वाइंडिंग डाल दी गई है अब जो लास्ट लीड है पेपर की इन साइड फोल्ड करेंगे और बाकी लूप्स जो हैं वो पेपर की आउट साइड फोल्ड कर देंगे अब हमारी बी साइड के दो कॉल मुकम्मल होंगे जिस तरह अभी हमने ये बी साइड के दो कॉयल जो हैं मुकम्मल किए है। इनकी वायर्स जो हैं वो लीड्स को हम फोल्ड कर देते हैं तो अभी इन दो कॉल्स को मुकम्मल करने के बाद यूँ घुमाएंगे और फ्रंट साइड से चूँकि पेपर ऑलरेडी मौजूद है अब हम रियर साइड से एक पेपर इन करते हैं तो ये वाइंडिंग ए जो है उसका सेकंड क्वाइल शुरू हो रहा है क्योंकि वाइंडिंग ए का पहला कोयल डाल दिया गया था अब वाइंडिंग ए का जो क्वायल वन है उसका जो इन साइड वायर है ये ये जो लास्ट लीड थी इसको पकड़ेंगे और इसके साथ हम इस वायर को अटैच करेंगे और बल देकर नेक्स्ट स्लाट की लूप नंबर वन तैयार कर लेंगे तो ये अगले स्लाट की नेक्स्ट स्लाट की लूप नंबर वन अभी ये लूप नंबर वन नेक्स्ट स्लाट की तैयार हो चुकी है अब हम नेक्स्ट स्लाट की क्वाइल नंबर वन जो है उसको शुरू करते हैं एक दो हम इसको वन एट के स्लाट में आ, क्विक पिच के हिसाब से तैयार करेंगे तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और ये बारह बारह टर्न मुकम्मल करने के बाद अब हम इसका सेकंड लूप जो है वो तैयार करते हैं आ, ये नेक्स्ट स्लाट का सेकंड लूप है और अब हम इसमें अगेन बारह टन मुकम्मल करेंगे तो ये लूप नंबर दो मुकम्मल हो गया अब हम इसी स्लाट में शुरू करते हैं एक क्योंकि ये डबल क्वाइल ऊपर नीचे हम वाइंड करेंगे आ, दो दो क्वाइल फ़ी स्लाट इन होंगे दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और बारह ये बारह टर्न मुकम्मल होने के बाद अब हम इस क्वाइल को लास्ट जो लीड है इसको नेक्स्ट स्लॉट में लूप नंबर वन तैयार करने के बाद इन करते हैं तो इनकी लूप्स जो अभी वाइंड हो चुकी हैं इनको फोल्ड कर लिया और अब यहां यही वायर नेक्स्ट स्लॉट में हम जाएंगे दो दो क्वायल डबल वाइंड होंगे अभी ये स्लाट नंबर नेक्स्ट स्लाट की ये लूप नंबर वन है वन ये लूप नंबर एक तैयार हो गई और अब हम रियर साइड से पेपर एक स्लाट आगे चल डालते हैं नया पेपर और डालेंगे ताकि वन एट की पिच बरकरार रह सके तो यूँ एक पेपर नेक्स्ट स्लाट में इन करेंगे और यहाँ से वाइंडिंग स्टार्ट हो जाएगी एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह अभी बारह टर्न मुकम्मल करने के बाद इस इस स्लाट की लूप नंबर टू तैयार होगी तो यूँ हम लूप नंबर दो को तैयार कर लेते हैं और अब दोबारा इसमें ट्वेल्व टर्न मुकम्मल करते हैं नेक्स्ट क्वल के एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह अभी बारह टर्न मुकम्मल करने के बाद अब हम इस वायर को पेपर की इन साइड रखते हुए साथ ही फोल्ड कर देंगे और जो लूप्स होंगी इनको पेपर की आउट साइड रखते हुए फोल्ड कर देंगे और इस वायर को काट देते हैं तो ये लूप्स आउटसाइड पर और लास्ट लीड जो होती है इसको इन साइड रखते हुए यूँ फोल्ड करने के बाद काट देते हैं तो अभी वाइंडिंग ए जो है उसके दो कॉल मुकम्मल हुए अभी हम वाइंडिंग बी जो है उसके नेक्स्ट स्लाट की वाइंडिंग शुरू करते हैं तो अभी आप देख सकते हैं कि जो वाइंडिंग बी के दूसरे कोयल के हमने लास्ट लीड को पेपर की इन साइड रखते हुए छोड़ा था उसको बाहर निकालेंगे जो लास्ट लीड होती है उसके साथ पेपर नेक्स्ट वायर अटैच होगी यूँ ये जो पेपर की इन साइड वायर है जो कि हम छोड़ी थी ये अभी इसको बाहर निकालेंगे यहाँ से ये अभी इसको पकड़ते हुए इसके साथ वायर अटैच करेंगे और नेक्स्ट स्लाट में लूप नंबर वन तैयार कर कर इसको डाल देते हैं ये अभी हम इसको नेक्स्ट कॉयल के लिए शुरू करते हैं दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह अभी बारह डन मुकम्मल हो गए अब हम सेकंड लूप जो है इस स्लाट का सेकंड लूप तैयार करते हैं अभी हम इस स्लाट का सेकंड लूप तैयार कर लिया हमने अभी नेक्स्ट कोयल शुरू हो गया नेक्स्ट कॉइल के लिए थोड़ा वायर चूँकि एक्स्ट्रा थी इसलिए इसको ड्रस में किया गया है तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और ये बारह अभी बारह टर्न मुकम्मल करने के बाद अब हम वायर को नेक्स्ट स्लॉट में लूप्स को वापस फोल्ड करते हुए नेक्स्ट स्लॉट में लूप नंबर वन तैयार करके इसको इन करते हैं तो यूँ नेक्स्ट स्लॉट की हमने लूप नंबर वन तैयार कर ली और रियर साइड से नेक्स्ट स्लॉट का पेपर डाल देते हैं तो ये पेपर इन कर दिया गया है अभी यहाँ हम नेक्स्ट शुरू कॉइल शुरू करेंगे वो एक थोड़ी वायर की ड्रेसिंग करते रहेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह अभी यहाँ बारह टर्न मुकम्मल करने के बाद इसका सेकेंड लूप जो है वो तैयार करते हैं अभी सेकेंड लूप तैयार हो गया अब नेक्स्ट कॉइल शुरू होगा डबल लूप के लिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और ये बारह अभी बारह टन मुकम्मल करने के बाद क्योंकि हमारी ए साइड की दो क्वाइल मुकम्मल हो गई दो साइड दो स्लाड्स की वाइंडिंग मुकम्मल हो गई अभी हम यहाँ से वायर को इन साइड रखते हुए ऊपर फोल्ड करेंगे और यहाँ से काट देंगे ये हमने इन साइड रखते हुए ये पहचान है कि ये हमारी लास्ट लीड है और जो बाकी लूप्स होंगी दोनों उनको हम आउट साइड रखते हुए फोल्ड कर देंगे तो यूं आर्मेचर को फिर घुमा लेते हैं और बी साइड की नेक्स्ट दो कॉइल जो हैं वो बनाते हैं तो बी साइड की कॉइल बनाने के लिए पहले पेपर डाल देते हैं रियर साइड से नेक्स्ट लाट का और बी साइड के तीसरे कॉयल का अभी ये जो लास्ट लीड है पेपर की इन साइड वाली इसी को निकालेंगे और इसके साथ वायर को बल देते हुए नेक्स्ट uh, स्लाट जो है उसकी लूप नंबर वन तैयार करते हैं तो ये लूप नंबर वन जो है ये हमने तैयार कर ली और नेक्स्ट स्लाट में हमने इसको इन कर दिया है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह अभी बारह टर्न मुकम्मल करने के बाद हसब तरतीब हम सेकेंड लूप जो है वो तैयार करते हैं चूँकि हर कोईल जो है वो ट्वेल्व टर्न्स पर मुश्तमिल है तो अभी हम नेक्स्ट कोयल शुरू करते हैं एक दो तीन चार पाँच जी फ्रेंड्स तो अभी हम वाइंडिंग ए जो है उसका लास्ट स्लाट जो है उसकी लूप नंबर एक तैयार कर रहे हैं ताकि हमारे लास्ट कोयल की लूप नंबर एक तैयार हो गई अब हम यहाँ इन लूप्स को ड्रेसिंग करते हुए इसके सेकंड लास्ट कॉयल जो है वो शुरू कर रहे हैं लास्ट स्लाट की सेकंड लास्ट कोयल और यूँ यहाँ इसके बारह टर्न मुकम्मल करेंगे एक यहाँ पे हम लास्ट क्वाइल बनाएंगे एक दो तीन चार पांच सात आठ नौ दस ग्यारह बारह अभी बारह टन मुकम्मल करने के बाद अब इस ए वाइंडिंग के लास्ट स्लाट की लूप नंबर टू निकालेंगे ये ए वाइंडिंग लास्ट स्लाट की लूप नंबर टू अब यहाँ लूप नंबर टू तैयार हो चुकी आ, इसके बाद यहाँ हम ट्वेल्व टर्नस अगेन देंगे ताकि लास्ट कॉइल तैयार हो सके तो ये लूप नंबर टू लास्ट क्वाइल लास्ट क्वाइल ऑफ ए एक दो तीन चार पांच पाँच सात आठ नौ दस ग्यारह बारह अभी बारह टर्न मुकम्मल करने के बाद हमारी वाइंडिंग ए मुकम्मल हो चुकी यहाँ वाइंडिंग ए मुकम्मल हो चुकी है और इसका लास्ट सिरा जो है जो लास्ट लीड है ये जो लास्ट लीड है इसको हम वाइंडिंग ए के लास्ट स्लाट में ऊपर से नीचे लाते हुए वाइंडिंग बी के साइड पर अब यहाँ से नीचे लाएंगे और वाइंड इससे अगले स्लाट में नीचे से ऊपर लाएंगे ये आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ से ऊपर से नीचे लाना है और यहाँ रखते हुए नेक्स्ट स्लाट में नीचे से ऊपर को लाएंगे इसके साथ वाले स्लाट में यहाँ नीचे से ऊपर को आएंगे और ये वाइंडिंग बी का स्टार्ट सिरा जो होगा जो कि सिंगल लूप थी जहाँ से हमने वाइंडिंग बी स्टार्ट की थी वो वाइंडिंग बी की स्टार्ट लीड और वाइंडिंग ए की लास्ट लीड ये लूप नंबर वन तैयार होगा बल देते हुए ये वाइंडिंग बी का स्टार्ट और वाइंडिंग ए का लास्ट दोनों मिलके लूप नंबर वन तैयार करेंगे और अब हम वाइंडिंग बी जो है उसका लास्ट क्वाइल शुरू करते हैं अब हम वाइंडिंग बी जो है उसका लास्ट क्वाइल जो है वो लास्ट स्लाट की वाइंडिंग डालते हैं तो इसमें सेकंड लास्ट स्लाट में जो हमने वायर इनसाइड छोड़ी थी उसके साथ हम वायर को बल देकर लूप नंबर एक तैयार करेंगे लास्ट स्लॉट की लूप नंबर एक ये हमने तैयार कर ली और अब यहां इसका सेकंड लास्ट कॉइल शुरू करेंगे वाइंडिंग सेकंड लास्ट एक जी वायर को थोड़ा ड्रेसिंग देंगे क्योंकि वायर काफी इनसाइड है और इसको स्केल की मदद से ड्रेसिंग देंगे तीन चार पाँच सात आठ नौ दस ग्यारह बारह अब हम इसका सेकेंड लूप जो है वो तैयार करते हैं तो ये लास्ट क्वाइल वाइंडिंग बी का लास्ट क्वाइल जो है अब वो शुरू होगा अब सेकेंड लूप निकल गई अब लास्ट क्वाइल होगी वाइंडिंग बी लास्ट क्वाइल एक दो तीन जहाँ से वायर तंग करें वहाँ आप स्केल की मदद से प्रेस कर सकते हैं चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और ये बारह अभी बारह टर्न मुकम्मल करने के बाद ये वाइंडिंग बी जो है उसका लास्ट क्यल मुकम्मल हो चुका है वाइंडिंग बी मुकम्मल हो चुकी है अभी इस वक्त वाइंडिंग बी जो है वो मुकम्मल है और इसकी जो लास्ट लीड होगी सेम जिस तरह हमने पहले किया है ला ए वाइंडिंग के साथ इसी तरह बी वाइंडिंग की लास्ट लीड ऊपर से नीचे लाएंगे इसी साठ में और नेक्स्ट स्लॉट में नीचे से ऊपर लाएंगे और यहाँ अब हम वाइंडिंग ए के स्टार्ट सिरे को जो वाइंडिंग ए है उसकी जो स्टार्ट लीड होगी ये वाली ये जो सिंगल स्टार्ट लीड जहाँ से वाइंडिंग ए शुरू हुई थी स्टार्ट लीड ऑफ वाइंडिंग ए और स्टार्ट लास्ट लीड ऑफ वाइंडिंग बी लास्ट लीड ऑफ वाइंडिंग बी यहाँ से ऊपर आएगी और अब वाइंडिंग ए की ला स्टार्ट लीड के साथ मिलकर वाइंडिंग ए स्टार्ट लीड वाइंडिंग बी लास्ट लीड तो ये दोनों मिलकर लूप नंबर वन तैयार करेंगे यूं इस स्लॉट की ये लूप नंबर टू मुकम्मल हो चुकी है अब हमने यहां वाइंडिंग कंप्लीट कर ली है आप देख सकते हैं कि हम यहाँ तक वाइंडिंग ए और बी दोनों को कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम पेपर की सात जो फ़ोल्ड किए हुए लूप्स हैं उनको ऊपर की तरफ़ लाते हैं ताकि पेपर की फोल्डिंग की जा सके तो तमाम लूप्स को हम ऊपर वाली साइड पर आज़ाद कर देंगे चूँकि वाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है इसलिए अब तमाम लूप्स को ऊपर करते हुए इस आर्मेचर के पेपर कटिंग करेंगे अभी हम पेपर को यहाँ से एक सेंटी छोड़कर काट देंगे और स्केल की मदद से दोनों साइड से इन साइड फोल्डिंग कर देंगे तो अभी हम पहले एक साइड से पेपर को अच्छी तरह से फोल्ड कर देते हैं यूँ अच्छी तरह से पुश करके फ़ोल्ड करेंगे और अब दूसरी साइड से पेपर के ऊपर पेपर चढ़ाकर दोबारा फोल्ड कर देंगे तो यूँ डबल फोल्डिंग आ जाएगी और इस तरह पेपर जो है वो मजबूती से आ, अच्छी तरह से फोल्ड हो गया तो सेम अभी हम हमनेक्सलाट का पेपर जो है वो भी काट कर फोल्ड कर देते हैं तो यूँ इसको अच्छी तरह से दोनों साइड से पेपर फोल्ड किया जाएगा ताकि पेपर जो है वो अच्छी तरह से होल्ड हो सके जी फ्रेंड्स तो हमने तमाम पेपर्स को फोल्ड कर दिया है अब हम इस आर्मेचर के ऊपर कम्योटेटर फिक्स कर अब हम आर्मेचर के ऊपर कमोटेटर को मैजिक के साथ फ़िक्स करते हुए अपने वे में अच्छी तरह से शाफ्ट के ऊपर चढ़ा देंगे तो यूँ कम्पोटेटर जो है वो हमने शाफ्ट के ऊपर फिक्स कर दिया कमोटर फिक्स करने के बाद अब हम वायर के साथ स्लाट के सामने कमोटेटर का पीस एडजस्ट करेंगे अभी आप देख सकते हैं कि वायर की मदद से आप सलाड के बिल्कुल सामने कम्पोटेटर पीस एडजस्ट करेंगे ना कि झरी एडजस्ट करेंगे अभी हमने पीस एडजस्ट कर दिया जबकि अब कम्यूटेटर फिक्स करने के बाद कम्पोटेटर के नीचे वाली साइड पर जो स्पेस बनता है उसको हम काटन टेप की मदद से फिल करेंगे यूँ अच्छी तरह से काटन टेप लपेट कर इसको फिल कर देंगे ताकि जो ऊपर से कनेक्शन वाली लीड आए उनको सपोर्ट फ्राहम हो अब कॉटन टेप लगा दी गई है ताकि जो लीड्स हैं उनको अच्छी तरह से नीचे वाली साइड से स्पोर्ट मिल जाए और वो लीड्स जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो तो यूं एल्फी ग्लू से अभी हम इस कॉटन टेप को लॉक करते हैं तो लॉक करने के बाद अभी नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो शुरू करते हैं अब हम कनेक्शन शुरू करते हैं कनेक्शन शुरू करने के लिए वायर की मदद से स्लाट के सामने वाले जो कम्यूटेटर पीस होगा उस पर मार्कर से निशान लगाएंगे यूँ हमने इस स्लाट नंबर एक फॉर एग्जांपल स्लाट नंबर एक में एक के सामने वाला और उससे पीछे वाला एक कम्यूटेटर पीस जो है उस पर निशान लगा दिया है अभी ये दो कम्यूटेटर पीसेस जो हैं, उनको मार्क कर लिया गया है तो जो पीछे वाला सेकेंड नंबर पर होगा इस पर लूप नंबर एक लगेगी लूप नंबर एक जो है वो सामने वाला स्लॉट छोड़कर पीछे वाला सेकंड लूप जो कम्प्यूटर पीस होगा उसके ऊपर लूप नंबर वन को अटैच करेंगे इसका अनेमल उतारते हैं अनेमल उतारने के बाद अब हम लूप नंबर एक जो है इसका कनेक्शन करते हैं तो अब हम सामने वाला कम्यूटेटर पीस छोड़कर पीछे वाले कम्यूटेटर पीस सेकंड नंबर लेफ्ट सेकंड टू द लेफ्ट अब इस पे लूप नंबर एक इन करते हुए इसको पंच करते हैं हर स्लॉट के सामने वाला पीस जो है उस पर लूप नंबर टू आएगी और जो लेफ्ट साइड पर सेकंड नंबर पर होगा उस पर लूप नंबर एक आएगी यहां लूप नंबर एक को पंच करते हैं। अब लूप नंबर दो जो है वो इस कंप्यूटेटर पीस के सामने वाले इस स्लाट के सामने वाले कंप्यूटेटर पीस पर लूप नंबर टू लगेगी ये अभी लूप नंबर टू जो है ये बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ स्लॉट इन फ्रंट ऑफ स्लॉट यहां लूप नंबर टू पंच होगी अब नेक्स्ट स्लाट जो है उसकी दोनों लूप्स को अलहदा करते हैं और उनके सामने छोड़ कर ये दूसरे कंप्यूटर पीस पर अभी एक तरतीब के साथ हम चलते जाएंगे और हर स्लाट जो है उसकी पहले लूप नंबर एक जो है उसको पंच करते जाएंगे और बाद में लूप नंबर दो को पंच करेंगे ये लूप नंबर एक पहले पंच होगी यूं आप डबल पंच करेंगे ताकि अच्छी तरह से वायर झड़ी के अंदर होल्ड हो सके तो अब लूप नंबर दो जो है उसका निशान लगा कर यहाँ से इसकी नीमल साफ़ करेंगे ताकि अच्छी तरह से कनेक्शन चल सके तो यूं अब लूप नंबर दो जो है उसकी नेमल उतार दी गई है अब इसको कंप्यूटर पीस में फिक्स करके पंच करते हैं तो यूं लूप नंबर दो जो है वो पंच हो चुकी है तो अब नेक्स्ट स्लाट की लूप जो है इसी तरतीब के साथ हम कनेक्शन करते जाएंगे और इसको पंच करते जाएंगे तो इसी तरह इस आर्मेचर के तमाम कनेक्शंस को हम बिल तरतीब पंच करते जाएंगे जिस तरह के हमने वाइंडिंग करते वक्त इनको आइडेंटिफाई किया ये लॉन्ग लीड जो है ये लूप नंबर एक है और ये शॉर्ट लीड जो है ये लूप नंबर दो है तो सबसे पहले लॉन्ग लीड लगेगी जो कि लूप नंबर एक है अब हर स्लाट की लॉन्ग लीड पहले लगेगी और शॉर्ट लीड बाद में लगेगी फर्स्ट लूप नंबर एक ये कनेक्ट होगी अब इसको पंच करते हैं यूं। और इसके बाद लूप नंबर दो शॉर्ट लीड ये लगेगी और इसी तरह इसी तरतीब को जारी रखते हुए हम इसके कनेक्शंस जो हैं वो मुकम्मल करते हैं जी फ्रेंड्स तो अभी लास्ट स्लाट का कनेक्शन बाकी रह गया है लास्ट स्लाट के दोनों लूप्स जो हैं वो हम लगा रहे हैं अब लास्ट स्लाट का लूप नंबर वन ये कनेक्शन किया जा रहा है अब इसको सबसे पहले चूंकि हमने लूप नंबर वन जो है उसका कनेक्शन करना है तो लास्ट स्लॉट लूप नंबर वन इसको पंच कर दिया गया है यू अब लास्ट स्लॉट लूप नंबर टू लास्ट स्लॉट लास्ट लूप लूप नंबर टू लास्ट स्लॉट के सामने यूं इसका कनेक्शन जो है ये लास्ट कनेक्शन पंच किया जा रहा है किया जा रहा है तो अभी आप देख सकते हैं कि इसको हमने पंच कर दिया यूँ इसको पंच किया और अब यहाँ इस आर्मेचर के तमाम कनेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं अब हम ब्लेड की मदद से जो एक्स्ट्रा वायर्स हैं उनको काट देते हैं यूँ ब्लेड की मदद से आ, तमाम एक्स्ट्रा वायर्स जो हैं उनको हल्का हल्का हैमर से पंच करके काट देते हैं जी फ्रेंड्स तो हमने तमाम एक्स्ट्रा वायर्स को काट दिया नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें और तमाम टेक्निकल वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर किया करें ताकि तमाम दोस्तों को टेक्निकल मालूम मैसर आ सकें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़